नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Apple iPhone 12 Pro वर्सेस Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो iPhone 12 Pro में 5.78 इंच जबकि Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G में 6.49 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो iPhone 12 Pro में 2.81 इंच जबकि Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G में 3.04 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो iPhone 12 Pro में 0.29 इंच जबकि Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि iPhone 12 Pro से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो iPhone 12 Pro में 187 ग्राम्स जबकि Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G में 208 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि iPhone 12 Pro से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो iPhone 12 Pro में OLED जबकि Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G में Dynamic AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही iPhone 12 Pro में 19:5:9 जबकि Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G में 19:3:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो iPhone 12 Pro में 6.1 इंचेस जबकि Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G में 6.9 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन iPhone 12 Pro में 1170x2532 और Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G में 1440x3088 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो iPhone 12 Pro में 86.89% जबकि Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G में 92.94% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो iPhone 12 Pro में 457 पिक्सल प्रति इंच जबकि Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G में 494 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो iPhone 12 Pro में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, टेलीफोटो कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, पेरिस्कोप कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो iPhone 12 Pro में 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G की बात करें तो उसमें 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो iPhone 12 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 8 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो iPhone 12 Pro में Apple GPU 4-core ग्राफिक्स जबकि Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G में Mali G77MP11 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो iPhone 12 Pro में Apple Bionic और Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G में Samsung Exynos 9 Octa 990 मिलता है। बात करें RAM की तो iPhone 12 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6 GB, 6 GB, 6 GB की RAM मिलती है, जबकि Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8 GB, 12 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो iPhone 12 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB, 256 GB, 512 GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 256 GB, 256 GB स्टोरेज मिल जाती है।
एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो iPhone 12 Pro में नहीं है, जबकि Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G में अप टू 1 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो iPhone 12 Pro में iOS V14 जबकि Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G में Android V10 क्यों देखने को मिलती है। बैटरी iPhone 12 Pro में 2815 mAh जबकि Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो iPhone 12 Pro में 4 कलर्स जबकि Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो iPhone 12 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 115,100 रुपीस, 6GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 124,700 रुपीस, 6GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ 145,900 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 77,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 91,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Apple iPhone 12 Pro में 3 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G की तो उसमें 4 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G आगे है, मेन कैमरा में Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में iPhone 12 Pro आगे है, परफॉर्मेंस में iPhone 12 Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy S21 Plus है, जो कि 79,990 रुपए में मिलता है। दूसरा Vivo X70 Pro Plus है, जो कि 82,990 रुपए में मिलता है। तीसरा Samsung Galaxy S21 Ultra है, जो कि 116,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Apple iPhone 12 है, जो कि 70,900 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।